वाह, अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत जल्दी आ गए, छुट्टियां थी क्या? जी जी नहीं। अच्छा बैठो 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 बेटा। तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम मुझसे कोई बात करना चाहते हो। जी अब्बा जी। हाँ कहो बेटा, मैं सुन रहा हूं। अब्बा जी वो दरअसल उर्वा मेरे बेटे, घबराओ मत, जो बात दिल में है वो कह दो मुझे। अब्बा जी, वो जो आपने खत में लिखा था ना, वो मंगनी वाली बात, वो करनी थी। अब्बा जी वो मैंने ये मंगनी नहीं करनी। क्यों बेटा, क्या एतराज है तुम्हें इस मंगनी पर? अब्बा जी वो देखिए ना, अभी तो यूनिवर्सिटी में दाखला हुआ है मेरा, पूरे 4 साल की पढ़ाई मुकम्मल करनी है, फिर जॉब करनी है, और फिर क्या बेटा, तुम्हें किसने रोका ये सारा कुछ करने से? तुम तालीम हासिल करो, जॉब करो, अपना करियर बनाओ। अभी तो सिर्फ मंगनी की है, उसके बाद तुम्हारी शादी होगी, ये सारा कुछ करो तुम। मगर अब्बा जी, मेरे कहने का मकसद बेटा, ना अगर ना मगर, खानदान में बच्चों की शादियों के फैसले बड़े ही किया करते हैं और इसी में उनकी भलाई होती है, समझे तुम तो?